देखिए ऐसा है, आज पूरे देश में भारत बंद हो रहा है और ये खास तौर से दलित मुद्दों को लेके हो रहा है। इसके बंद में सारे जनविज्ञान, स्वराज स्वराज इंडिया, स्वराज अभियान, अम्बेडकर महासभा जो है, और इसके साथ साथ ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट, मजदूर संगठन और बहुत सारे संगठन इसमें यहाँ शामिल हुए थे, परंतु सरकार ने जानबूझकर जो है ये अखबारों के अंदर अपने अपने पिछले हुए अपने पिछुओं के द्वारा दुष्प्रचार करवाया, जो कि अखबारों में छपा कि आज का भारत बंद जो है वो रद्द कर दिया गया है। और दूसरा यहाँ पर और अमेरिकन महासभा में ताला लगा दिया गया, जहाँ पर हम लोगों ने जाके इकट्ठा होकर जुलूस की शक्ल में यहाँ पर आके प्रदर्शन किया था। जब हम लोग यहाँ आए तो यहाँ पर जो ये जो अमेरिकन प्रतिमा है, इसका जो गेट है उस पर ताला लगा हुआ था और अब बड़ी मुश्किल से जो ताला खोला गया। तो सरकार ने पूरी कोशिश की है कि ये जो आज बंद है, जो मुख्यतः जो जिसको दलित वर्ग जो है जिसको आयोजित जिसने आयोजन किया है, इसको विफल करने की पूरी कोशिश की है, परंतु हमें खुशी है कि इसके बावजूद भी थोड़े ही सही हम लोग इस बंद में शामिल हुए, हम लोगों ने अपना जुलूस निकाला है और अब यहाँ पर जो है हमने अपना एक ज्ञापन जो है वो राज्यपाल मोदी जी ने अपना ज्ञापन तैयार किया है। दलितों का, महिलाओं का मनोबोध तोड़ना चाहती है, इसीलिए 2 अप्रैल की जो भारत बंद का नारा दिया गया उसमें बड़ी संख्या में लोगों को फर्जी केसेस दर्ज करके उनको जेलों में बंद किया। हमारी मांग थी 2 अप्रैल को जो भारत बंद के दौरान आए, आप जानते 12 लोगों की हत्या हुई, यहाँ तक कि बीजेपी के MLA का घर जला दिया गया। एक समय हम लोगों ने कहा कि जो निर्दोष है वो केवल जायज मांगों के लिए हड़ताल कर रहे थे, भारत बंद का नारा दिया था, जबरदस्ती बंद कर रखा उनको छोड़ दी। दूसरा कहा था जब आपकी सरकार में योगी जैसे अपराधी मुख्यमंत्री हो सकता है जिसके खिलाफ 27 मुकदमे दर्ज, हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज है, साक्षी महाराज को आप जानते हैं डकैती हत्या बलात्कार को वो भी वापिस ले रही है, इनके भारत सरकार में राज्य मंत्री कोई स्वामी जी थे उनके खिलाफ एक साधु ने मुकदमा दर्ज किया था उसको भी इन्होंने वापस। हमने कहा कि जायज मांगों के लिए हम लोगों ने इनको पिछले साल 30 जुलाई 2017 को राज्यपाल महोदय को मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख के दिया था कि आप जितने इस तरह के हैं सरकार में जो आपकी पार्लियामेंट में जो कानून बनाएगा उसका पालन कराइए, ताकि दलितों का उत्पीड़न, महिलाओं का उत्पीड़न, पिछड़ी जातियों का उत्पीड़न, गरीब लोगों का उत्पीड़न बंद हो। उसने कहा था कि आप अपने स्तर से ये पार्लियामेंट का है, यदि मुख्यमंत्री के स्तर पर जनवरी में और जुलाई में मंजूरी होनी चाहिए ताकि क्या उसकी प्रोग्रेस है, जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया, सजा हुई है, योगी ने अब तक नहीं किया, मोदी ने अब तक नहीं किया। और कहा कि स्पेशल कोर्ट बनाइए कि उनका बेचारे गरीब लोग हैं, 2-2 बरस तक मुकदमा चलता है, गवाह टूट जाते हैं।